जो खतरनाक सवाल है उस पर मैं फंस गया। मुझे एक साहब है, उन्होंने फ़ोन किया, ये गालिबन ज़ुबैर साहब के भी काफ़ी फॉलोअर थे, और उन्होंने बताया जी कि इस तरह इंजीनियर साहब एक बात, बल्कि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, थे वो बड़े चलाक शख्स, उन्होंने कहा जी मुझे एक बात बताएं, इंजीनियर साहब ने कुफरिया बात भी की है। ओह नाऊज़ु बिल्लाह। अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैं कहा जी किस तरह? उन्होंने कहा जी मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह के हलाल को हलाल और अल्लाह के हराम को हराम जो है ये क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कह सकते हैं? मैं कहा जी मैं समझ गया कोई बात है ऐसी। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा मैं समझ गया। वो कहते हैं जी आप मुझे ये बताएं कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि जी अपनी जात पे हराम, इन्होंने अपनी जात पे भी हराम कैसे कर दिया? हां जी, इसकी वजह से कुफर नहीं हो जाता, नाऊजु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बात याद रखना। हां जी मैं इसको जवाब देता हूं, क्योंकि बात ही लंबी थी। मैं ये बार-बार कहता हूं ना कि मैं अपनी जात की खातिर दीन से एक रुपया कमाने को हराम समझता हूं, इसका मकसद ये हलाल और हराम का मसला बताना नहीं होता, ये बताना होता है कि मुझे सऊदीया से रियाल नहीं आ रहे हैं और ना मुझे ईरान से कोई रियाल आ रहे हैं। तो आप लोगों की तरह जिस तरह आप लोग ईरान और सऊदीया का एजेंडा इस मुल्क में लॉन्च कर रहे हैं सुन्नी और शिया मिलके, मुझे इस तरह की कोई इमदाद नहीं आती। और उसमें बार बार मैं कहता हूं मैं अपनी जात की खातिर समझता हूं, मैं इसको हराम नहीं समझता। मैं कह रहा होता हूं जब मैं कहता हूं मैं हराम नहीं समझता, मेरे पे कुफर नहीं आ सकता। अगर मैं कहूं हराम समझ दूं तो फकी ले लें, सूरह अतहरीम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को अपने ऊपर हराम करार दे दिया था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उस चीज को क्यों हराम ठहरा लेते हैं जो अल्लाह ने हलाल की है। कोई अली अल्लाह के नबी पर अल्लाह ने कोई कुफर का फतवा नहीं लगाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों की दिलजोई के लिए ऐसा किया था तो अल्लाह ताला ने उनको ये तंबीह की। वो तो खैर खाने पीने का मसला था, शायद आपको पसंद था, कुरान में शायद की फजीलत है। कुरान में दीन से रोजी रोटी कमाने की कोई इस तरह की फजीलत नहीं आई है जो इन लोगों ने, ये एक दम वाली हदीस पेश करते हैं उससे नमाजों की तनख्वाह साबित कर रहे होते हैं, इतने बेईमान है। वो तो दम के ऊपर है उजरत, उससे नमाजें पढ़ाने की तनख्वाह कहां से साबित होती है? ठीक है, और ये उस तरीके से लेते, इस चीज की कोई इस तरीके से नहीं। कुरान में तो सूरह आराफ खोलें जाके, जब भी कोई नबी दावत पेश करता है वो कहता है ऐ मेरी कौम मैं इस दीन की तबलीग के एवज तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर मेरे अल्लाह के पास है। कहता है ना, मैं वही बात को आज मॉडर्न अंदाज में करना चाह रहा हूं कि मेरी रोटी रोजी दीन के साथ नहीं जुड़ी, लिहाजा ये ना समझना कि मैं रोजी रोटी कमाने के लिए और चंदों के लिए तो मैं ये बात बता रहा हूं। मैं हक बात इसलिए बता रहा हूं, ये मैं वो बताना चाह रहा हूं, तो मैं कोई तकबुराना जुमला नहीं बोल रहा होता। क्लियरिफाई हो गया? ठीक है। तो मैंने बार बार ये बात की, बल्कि इसके ऊपर मेरा खिलाफ इसके क्लिप चढ़ा, मेरा तो जमातुल मुस्लिमीन के खिलाफ क्लिप चढ़ा हुआ है कि वो दीन से उजरत कमाने को हराम समझते हैं, और मैंने उसके अंदर मेरे क्लिप में कहा है कि दम की उजरत या कुरान की तालीम दे के उजरत एज ए ट्यूशन फी अगर कोई करता है मैं इसको जायज समझता हूं, अगरचे ये पसंदीदा नहीं है, लेकिन नमाजों की तरह डंके की चोट पे हराम है। ये पहले अपने मौलवियों से पूछे ना कि नमाजों की तनख्वाह क्यों लेते हैं। ठीक है, सही हदीस है सुनन निसाई में और इमाम हाकिम ने भी ली है और इसे मुस्लिम की शर्त पे सही कहा है। मुझसे एक क्लिप में निकल गया था सही मुस्लिम में, ये हदीस सुनन निसाई में है, मिश्कात में भी मौजूद है, अजान वाले चैप्टर के आगे पीछे देख ले मिल जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुअज्जिन उस शख्स को रखो जो अजान देने की उजरत ना ले। अजान तो सुन्नत है, नमाज तो फर्ज है, जो अजान देने की उजरत नहीं ली जा सकती। ये उसी तरीके से मां बाप को उफ तक मत कहो तो गाली गलौज कर लो, मार लो, उफ नहीं आप कर सकते, बाकी काम नहीं हो सकते। अजान की उजरत नहीं हो सकती, नमाज जो फर्ज थी, अजान फर्ज होती किसी पर देना, कोई भी दे सकता है, नमाज तो हर बंदे पे फर्ज है। वो मौलवी जो पढ़ा रहा है ना, वो अगर ना भी पढ़ाता उसको अपनी तो पढ़नी थी ना जमात के साथ, तो तकबीर उला के साथ पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आगे मसल्ले पे चला गया, पाकिस्तान में हजारों मस्जिदें हैं जिसमें कोई इमाम मस्जिद नहीं है जो तनख्वाह लेता हो, हमारे एटॉमिक एनर्जी के जितने ऑफिस हैं, ठीक है जी, 60-70 हजार मुलाजमीन है सारे इदारों के मिला के, किसी एक मस्जिद में भी इमाम मस्जिद नहीं है जिसकी तनख्वाह हो, वही लोग जमा होते हैं एक बंदे को आगे कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिरका वारियत नहीं है। कोई अहले हदीस नमाज पढ़ा रहा है, हनफी पीछे पढ़ रहे होते हैं, तबलीगी जमात वाले पढ़ रहे होते हैं, तबलीगी जमात वाला कराता है, अहले हदीस पीछे पढ़ रहे होते हैं, इवन बरेलवी करा देते हैं जमात सब्ज पगड़ियों वाले, पीछे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कोई तफरीक नहीं करते हैं। यानी वही प्रैक्टिकली जो हम कहते हैं ना कि हारमोनी लेकर आए, ठीक है ना जी, और इस तरह की टॉलरेंस पाई जाती है। तो ये भी लोग नमाज, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दूं, आप सबको मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से नमाजें किसी ऐसे इमाम के पीछे नहीं है जो तनख्वाह लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो नमाज की तनख्वाह लेता है। एक ये है कि कारी किसी ने रखा हुआ है कुरान पढ़ाने के लिए, ठीक है जी, और 3-4 कारी रखे हैं, कोई एक नमाज पढ़ा देता है कोई दूसरी, एक ये नहीं चलाकी वाला कारी नहीं कि नाल उन्होंने क्या है कि नमाजा भी पढ़ानी है, नहीं, एक मदरसे में 10 कारी है, नमाज के वक्त आते हैं उनमें से एक आगे होकर नमाज पढ़ाना शुरू कर देता है या कोई स्टूडेंट पढ़ाना शुरू करता है, अक्सर तो स्टूडेंट पढ़ा रहे होते हैं तो वो तो बेचारे तनख्वाह नहीं ले रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में भी, बल्कि 3 नमाजों में तो मैं खुद इमामत करता हूं, बल्कि 4 में, असर मगरिब
इशा और फजर, इसमें तो मैं इमाम होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से। एक जोर की नमाज है जो ऑफिस में कभी मैं इमामत करा लेता हूँ, कभी और इमामत करवा लेता है, उसमें मैं नहीं होता है। असर चूंकि हम पहले पढ़ा रहे होते हैं इसलिए ज़्यादातर सलफी आके पढ़ते हैं, तो मैं इमामत करता हूँ। तो हम तो मतलब इसको इस तरीके से, हाँ बिल्कुल मैंने क्लैरिफाई कर दिया।